यह है मेरी जापान सीरीज की 15वीं वीडियो और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जापान की सुपरमार्केट और जापान की 100 येन वाली शॉप। क्या है ये? बाल काटने का मेन्यू है ये। पढ़ सकते हो आप? हाँ, मेन चीज आपको पढ़ के बता देते हैं है क्या चीज। ये लिखा है का, ये लिखा है तो, काटो, काट दो। ये 2700 क्या है? ये कॉस्ट है आफ्टर टैक्स। यार ये दो दो चीज क्यों लिखते हैं? ये पागलपंती है थोड़ी सी यहाँ पे। हाँ। ये मेन चीज डालो, ये है इधर का कि 2500 येन से नीचे कहीं बाल कटेंगे नहीं। हाँ, हमको ये देना पड़ेगा है ना, हमको अप्रोक्सीमेट 2700 येन देने होंगे। हाँ, हाँ। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला है सुकोरी काटो। क्या बात है, बच्चे के बाल काटने के ही है। अच्छा, एक पीस टमाटर का 147 इतना बड़ा टमाटर है। 147 येन का टमाटर भाई, इंडियन रुपीस अराउंड 130 हो गया, 120। हाँ, 0.6 कर लो उसका। हाँ। ये और ये भी एक चीज देखो, शिमला मिर्च 104 येन की है। हाँ। एक शिमला मिर्च नकली लग रही है ये तो, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे नकली हूँ। नहीं नहीं, ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल है। ये जैसे लाल रंग कर दिया इस पे। हाँ। और ये नींबू इतना बड़ा। हाँ। 104 येन का ये अपना वो है खीरा। यहाँ थोड़ा अजीब है ना, क्या होता ये पानीयों की तरह थोड़ा सा सूख गया है। ये भी एक पीस का रेट लिखा होगा इसपे। पीस का रेट है 61। ये सब 2700 येन का कद्दू। हाँ, नहीं 2700 नहीं, 2950 आफ्टर टैक्स। 2700 को वैसे आप 2950। ये हुआ पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी आधी काटी, इसको पैक किया है। ये तीन तीन नींबू और टमाटर देखो, इसको पैक किया अलग से ऐसे। ये रिसोर्स का वेस्टेज है, बहुत ज्यादा रिसोर्स। अरे तीन टमाटर 385 के। हाँ। यहाँ से तुम टमाटर तो यहीं से खरीदोगे आप लोग? हाँ, यहाँ से। इतने महंगे खाना भी, आलू भी खरीदवाते हैं तुमसे। 104 येन के 3 लहसुन मिलते हैं इधर। ये किस्मत अच्छी है तुम्हारी, आलू सस्ता पड़ गया। वो एक पीस आलू, अच्छा एक मेरे को लगा एक किलो, एक आलू 18 येन का। कोई सा भी ले लो एक 18 येन का एक आलू। और ये एक प्याज कितने का? 12 रुपए का, इंडियन रिकॉर्डिंग। हाँ, 50 येन का एक प्याज। और ये जो होंगे ये कितने का है? 104 येन का 3 है। अच्छा, ये 3 प्याज अभी थोड़े बड़े हैं ये, थोड़े से अजीब से हो गए, पुराने भी हो गए। ये थैले में करके दे दिया, तो ये 104 का आ जाए। आलू है, ये साहब है, गाजर, गाजर ये भी 212 येन की। इतनी सी गाजर है देख लो, 3 गाजर 212 येन की। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ 67 नहीं वो रहा, 212 येन की। ये मछली को बीच में से खोल के फाड़ दिया, ऐसे रख दिया मछली को। हाँ। ये मछली ऐसे बंद होती है, इसको बीच में से किया और न्यू खोल दिया। हाँ। ये ऐसा रखा पनीर खाते हैं, पनीर। पनीर का सप्लीमेंट जो टोफू, आज की डेट में इंडिया में बहुत फैशन चढ़ा है, क्रेज चढ़ा है लोगों को। पनीर भी उतना ही फायदेमंद होता है जितना टोफू होता है, कोई दिक्कत नहीं, पनीर भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें पनीर मिलता नहीं, तो हम लोग को ये टोफू से काम चलाना पड़ता है। टोफू नहीं, टोफू नहीं, ये पढ़ सकते हो। लेकिन टोफू इसके कंपनी का नाम लिखा हुआ है, टोफू नहीं लिखा गया, हमें पता ये टोफू है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जापानी का सबसे फेमस डिश सुशी। बेसिकली सुशी बनती किस चीज़ की है? देखो नीचे दिख रहा है, ये है चावल, चावल ठीक है, चावल के ऊपर रख देते हैं ये फिश, जी जो पीला दिख रहा है। हाँ। देखो ये ऊपर जो फिश है ये रॉ फिश है। हाँ। इसके ऊपर ये प्रॉन्स हैं, और इसको या तो देखो ये हरा दिख रहा है जिसे ढका हुआ है, ये है, इसे कहते हैं बांध दिया है। हाँ, जिसे बांधा हुआ है। हाँ। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीवीड। सीवीड। और ये मिलता है कितने का? 428 येन का, 1 2 3 4 5 पीस है, 5 पीस। और ये कम्प्लीटली रॉ है, रॉ है। इसमें पकी हुई चीज क्या है? वो है सिर्फ चावल, चावल और कुछ पका हुआ नहीं है। ये मेगा पैक, ये बड़ा पैक, ये थोड़ा और रंग बिरंगा पैक। ये फिश के अंडे, हाँ ये फिश एग्स हैं, ये रखे जैसे ये देखो, ये रखे सुशी के ऊपर रखे हैं, ये भी सुशी के ऊपर रखे हैं।
भाई तो वही ऑक्टोपस के पकौड़े हैं ऐसे नहीं अच्छा टोंग से छूने का अच्छा अच्छा ये टोंग दे रखे हैं अलग अलग सीधे टोंग से रखे हैं ये ऐसे उठाने का ऐसे देखा ये ऑक्टोपस का पैर ऑक्टोपस है इसके पैर हैं पैर को अंडे के लेप में डाल के अंडे के लेप में डाला फिर ऊपर कॉर्न फ्लोर हाँ कॉर्न कॉर्न के जो मुख्य मक्के का जो आटा होता है उसमें ऐसे लपेटा मार के फिर उसके ऊपर ओट्स लगा के तल दिया और फ्रीज कर दिया और ये ठंडा करके रख दिया हाँ अब दोबारा गर्म कर लो बस माइक्रोवेव में गर्म करो और खा लो भाई एक ये है दूध जैसे अपना टेट्रा पैक मिलता है एक लीटर दूध 178 येन का मतलब अगर इसको आधा करते हैं तो 80 रुपए मोटा मोटा माने चलो 90-95 रुपए का एक लीटर नहीं 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 178 एक लीटर वो नहीं हुआ 180 हो गया नहीं है हाँ 160 नहीं यार 100 रुपए से ऊपर का हो गया 100 रुपए से ऊपर का हो गया 100 रुपए से ऊपर का हो गया ही तो एक लीटर 100 रुपए से ऊपर का सबसे सस्ता है ये हाँ नहीं एक सस्ता और भी है ये और ये है ये है अच्छा वाला दूध जो है ना गोल्ड मिलता है ये सिर्फ 900 ml और ये 900 ये गोल्ड वाला जो दूध होता है टॉप क्लास वाला अब आपको सुनाते हैं एक स्टोरी बढ़िया वाली है जब दूध की दुकान पे आए तो हम लोग पहली बार आए दूध ये लेना था एक दिन ये लेके गए अगले दिन आया ये दूध उठाया हमने क्यों भाई लो फैट है 15 रुपए वाली थैली आती है डेयरी की 15-16 कितने की आती पता नहीं भाई साल डेढ़ साल हो गया दिए गए तो वो वाली लो फैट ये लेके जाएंगे ये लेके गए ये कितने का था इसके बाद हम लेके गए घर उन्होंने बनानी चाय चाय में डाला दूध उसमें चाय डाल के बस अभी उबाल क्यों नहीं आ रहा है इस ढंग से पता नहीं फिर चाय में जब थोड़ी लाल होगी चाय तो निकाल छान के पी ली यार स्वाद नहीं आया अच्छा सा अब क्या करें चले गए छोड़ो अगले दिन फिर किया फिर यही चीज उसके बाद ऐसा हमारे अंदर डिसीजन हुआ यार ट्राई करेंगे इस दूध को ऐसे कच्चा पिया तो भाई ये दूध नहीं था अच्छा ये छाछ थी प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम ये लैंग्वेज नहीं लगा रहा इसको ये छाछ थी चाय भी बना डाली हमने छाछ उबाल के पी गए और चाय पत्ती चीनी डाल के हमने बनाए थे चाय बना के पी इसकी भाई देखो एक चीज बताएं लोग बाहर में जाते हैं इंडिया में साथ में मूंगफली खाते हैं फिर उसमें प्याज होगा चना होगा जापान के लोग ये खाते हैं ये सूखी मछलियाँ थोड़ा सा नमक वहाँ डाल दिया हल्की सा और बियर के साथ ये खाया गया ये सूखा ऑक्टोपस उसका पैर ये देखो ऑक्टोपस के पैर के वो भी दिख रहे हैं छोटे छोटे से जो कप्पल चूसने वाले जो होते हैं वो सकर्स यस 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 सारे ये भी ऑक्टोपस के पैर हैं ये भी ऑक्टोपस नहीं ये ऑक्टोपस के पैर नहीं ये ऑक्टोपस के पैर नहीं है ऑक्टोपस का नहीं है एक चीज और है वो स्टिंग रे टाइप की मछली नहीं होती है जो उस तरह की मछली है छोटी वाली अच्छा सूखी हुई इसको भी या तो बियर के साथ खा लिया या सूप के साथ सूप के ऊपर डाल के थोड़ा सा उसमें ऐसे लपेटा मार के ये बर्फ की मशीन ये वाली अच्छा ये वाली ये बर्फ की मशीन क्यों है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इसलिए रखा जाता है बर्फ को एज अ चोट लगने के बाद जो ठंड लगने के बाद हॉस्पिटल में जाना पड़े लोगों को इसलिए वो लोग यहाँ यूज़ करते हैं ठीक है तो दो काम लोग करते हैं इसका एक तो चोट लग जाए उसके बाद और ऐसा काम करो जिससे चोट लग जाए उसके लिए भी दारू पीने के लिए अच्छा डालने का और दारू पीने का ठंडा काम करते हैं फ्री है बर्फ फ्री है अच्छा ये नहीं बर्फ कितनी भी डाल लो ये है इसका चम्मच बड़ा वाला फावड़ा जो भी कह लो ऐसे भरने का और ये ऊपरी थैली में डाल के ले जाओ रूम पे अपने अच्छा अगर जरूरत है ले जाओ नहीं जरूरत है तो मत लेके जाओ लेकिन वेस्टेज नहीं करना ये चीज पहली दूसरी अगली चीज ये है पानी यहाँ बेसिकली पानी बहुत महंगा है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहाँ से उठाया खाने का कुछ आइटम यहाँ से भरा पानी और ये दे दिया एरिया यहाँ पे बैठे खाना खाने का ठीक है तो ये पानी की बोतल क्या फ्री है ये पानी फ्री है एक वजह से फ्री है खाली आपके पास ये कार्ड होना चाहिए
ये है व्यायाम कार्ड, जैसे रिलायंस का कार्ड कार्ड होता है ना, उस तरह का ये व्यायाम कार्ड है, जिसमें क्या आप जितने शॉपिंग करोगे उतने पॉइंट्स बनेंगे, तो दैट पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट टू 1 year, ईच पॉइंट इज इक्वल टू 1 year, उसको आप स्वाइप करो, जितना पानी चाहिए उतना पानी ले लो, लिखा है ना, ये स्वाइप करने का, ये रहा स्वाइप करना, या ऐसे यहाँ छुड़ा देने का और पानी भर लो, ये एक लीटर में कितना पानी निकलता है, इसमें एक लीटर पूरा पानी निकलता है, एक लीटर ये वाला पानी निकलता है, डिपेंड करता है कितने भी लो, एक लीटर लो, पाँच लीटर लो, कैसे भी ले सकते हो, ये है सर, यहाँ पर अलग अलग हिसाब है भैया, हाँ यहाँ पर अलग हिसाब है थोड़े से, और साथ में यहाँ पे ये भी करते हैं, अगर आपको प्लास्टिक नहीं लेनी है तो ये लोग क्या करेंगे, आपके शॉप में जितने भी सामान आएंगे वो किसी न किसी कार्टन बॉक्स में आता है, उस कार्टन बॉक्स का क्या करेंगे, कार्टन बॉक्स को यहाँ रखेंगे, अच्छा कार्टन बॉक्स को यहाँ रखा, और किसी को भी जरूरत हो, जैसे मान लो मेरे को जरूरत है, मैंने जाना है कार्टन बॉक्स उठाना है, अपना सामान रखना, लेके चले जाना, अच्छा कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, जैसे हमारे क्या होता है इंडिया में, अरे साहब दे दो डब्बा कार्टन दे दो, बोला रहे 10 पे लगा, ठीक है 10 पे ले, कोई रुपए नहीं, और यहाँ पे जनता के लिए अगर चाहिए, हाँ ये तो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रख रखा है जनता सबके लिए, खाओ और ले जाओ, कचरा फेंकने के लिए कहीं कचरा नहीं फेंक सकते, ये पहले टोक्यो में दिखाई दिया है, हाँ अभी मैं खड़ा हूँ दायसो पे, ये सबसे सस्ती दुकान कह सकते हैं जापान की, मतलब मेनली रोजमर्रा की जो सामान होते हैं, जरूरत के सामान जो होते हैं वो सस्ते में मिलते हैं, वो सस्ते में मिलते हैं, सबसे सस्ता क्या मतलब 100 yen, 100 yen भारत में जैसे 10 rupees है, वैसे यहाँ पे 100 yen है, 100 yen 100 yen के मतलब 67 rupees बनते हैं, 65-70 rupees, यहाँ पे हर चीज मिलती है, लेकिन ये हर चीज रिलेटेड टू चाइना ही है, 100 yen के मल्टीपल में मिलेगी चीज, मल्टीपल की चीज में मिलेगी हर चीज, 100 yen से लेकर के ऊपर कहीं चलेगा, अब जैसे इधर देखो ये सब प्लेटें हैं, ये है, ये हर एक चीज 100 yen की है, ये 100 yen की है, ये सब 100 yen की है, अच्छा अब यहाँ अच्छा ला जाओगे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का तो ये 300 yen का है, ये आपको कैसे पता चला 100 की है, जिस पे प्राइस नहीं लिखा होगा, अच्छा वो 100 yen की है, जिस पे प्राइस लिखा है वो 300 yen की है, उस पे प्राइस लिख दे, 100 yen से ऊपर होगा तो प्राइस लिख देगा, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ये हिसाब है 100, 150, 200 ऐसे हिसाब से, 100 हाँ वो 100 ये देखो, ये है चाय के भी 300 yen की है, तो ये ऐसा स्टोर है जिसमें अगर आपको कुछ कप है, ग्लास है, कन्फेक्शनरी है, और स्पेशली ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक कल्चर है जापान में कि आप कहीं जाते हो वहाँ से कुछ एक सोवेनर टाइप का लेकर आते हो, कुछ गिफ्ट लेकर आते हो, और गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके भी काम आए, दूसरे के भी काम आए, ये नहीं कि अलग ला के देने का मतलब ही क्या है, तो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे आइटम मिल जाते हैं हम लोगों को, सस्ते आइटम जो हर किसी के काम आ जाते हैं, जैसे पेन हो गया, ये 100 yen का, ये भी 100 yen का, सब 100 yen का, अभी भारत में कितने कितने मिलेगा हमें पता नहीं, तो ये सारी चीज़ें 100 yen की मिलती है, ये पानी की बोतल, ये पानी की बोतल 100 yen की, ये हर चीज़ ऐसे 100 yen का मिलता है, इंडिया से कोई बंदा आए तो उसके यूज़ के लिए, 250 का मतलब क्या होता है, 250 का हमें मतलब पता नहीं, अच्छा क्यों, क्योंकि ये जापानीज़ वर्ड नहीं है, अच्छा अच्छा ये चाइनीज़ वर्ड है, और इसके लिए किचन वगैरह, किचन है, किचन के आइटम्स सारे, किचन के आइटम्स मतलब हर चीज़, स्पेशली लड़कियाँ ये सब खरीदती हैं बहुत ज़्यादा, हाँ और चूँकि लड़की जापान में लड़के भी खरीदते हैं खैर, और कहाँ कहाँ लगाते हैं, फ़ोन के पीछे उसकी, कहीं भी लगाते, ये सुडोकू पज़ल सॉल्व करना, ये अंडे का सूप ऐसा सा, ये फ्री है, ये हाँ ये साथ में मिल रहा है, नहीं क्यों फ्री है, ये जो कस्टमर्स आते हैं ना, कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं, कुछ कुछ कस्टमर्स को ऐसे ही ऑफर करते हैं, क्यों कल्चर है, सबको नहीं करते, सबको भी करते हैं, ये डिपेंड करता है हर रेस्टोरेंट के, रेस्टोरेंट के बेसिस पे, अच्छा जैसे क्या अपन एक इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ भी है नजदीक, वो सलाद हमें अच्छे से ऑफर करता है, कुछ लोगों को ज्यादा ही होता है, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं
जहाँ पे हमारा फिक्स हो गया है जाना, बार बार हम जाते रहते हैं तो घर जैसा माहौल हो गया हमारा। अरे भैया जगह, अरे आगे को भैया लाते इस तरह के साथ। स्पेसिफिक क्या है जो आपका कस्टमर बन गया है, वो जैसे जो हम लोग सेम इंडिया में करते हैं, वैसे जेवर कस्टमर जो हमारा बन गया है उस कस्टमर को आगे रखने के लिए चलता रहे, करता रहे, आता रहे, ये करते हैं। और जैसे स्पेशली जब बताया मालूम चला उसको, तो हो सकता है कुछ का अभी पूछते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है क्या एग्जैक्टली। और यहाँ हर रेस्टोरेंट में एक चीज जरूर मिलती है, वो है ये वेट डॉग। ये इंडिया में शायद नहीं मिलता, यहाँ पे हर रेस्टोरेंट नींबू वाला पानी मिलता है, नींबू वाला पानी मिलता है, लेकिन वो हाथ धोने के लिए मिलता है, क्योंकि हम लोग तेल वाला खाना खाते हैं, तेल वाला खाना खाते नहीं आता है, तो इसलिए ये मिलता है। बेसिकली ये मिलता है फ्रेश होने के लिए। हाँ, ये इंडियन रेस्टोरेंट में हम आए हैं, अभी खाना जैसा आएगा आंगन, आंगन, अरे आंगन तो होता है ना जो घर में होता है, इसका भी नाम आंगन दे दिया। तो अभी जो खाना आएगा उसके हिसाब से आते हैं। हमारे साथ है गाँव सा किसान जो हमको कल घुमाया था, आज रात को इन्होंने इन्वाइट किया डिनर पे हमको। ये क्या है? तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन है भाई। कितने का ये? सिज़लर वाला। ये है थोड़ा सा महंगा है, 600 का है। अच्छा, दो पीस आते हैं इसमें, चार में डिवाइड। हाँ, दो पीस आते हैं, लेग पीस है, लेग पीस है उसका, थाई पीस है वो, दो दो बार डिवाइड करके चार चार बनाया। अरे मेरा भी आ गया अंडे वाला, तो पी के बताता हूँ कैसा है। ऐसा कुछ मैंने इंडिया में पी रखा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये मैगी जैसा क्यों लग रहा है मेरे को? मैगी जैसा नहीं है, थोड़ा सा ये नॉर टाइप का होगा वो। हाँ हाँ, नॉर सूप जो आता है ना टोमेटो के अलावा, जो मिक्स वेजिटेबल आता है सेम है ये। हाँ, बस सेम लग रहा है। लेकिन ये एग का है, उसमें एग सूप नहीं आता ना उसमें। हाँ नहीं, उसमें तो वेजिटेबल, और मैं उनसे कहता हूँ वेजिटेबल वाला नहीं लाना, टोमेटो वाला ही मेरे को पसंद है। पर फिर भी कैंटीन में वही मिलते हैं ना, कैंटीन दोबारा बड़े बड़े नाम जो मैंने टोक्यो में दिखाए थे, आधे रवि को खत्म ही नहीं हुई। नहीं मेरे तो खत्म कर लूंगा भाई। ये देखो भाई साहब, स्पेशल चिकन खरी। ये ऐसे तो पहली बार देखी है मैंने, जिसमें अंडे डले हैं, ये बादाम हो गया, काजू है, काजू झंडू है, थोड़े से ये गरीब है इसके ऊपर, गरीब का बुरादा डला है, ये अदरक है, ये शिमला मिर्च है, ये पत्ते वाले टमाटर के स्लाइसेस हैं। तो मीठी होगी, मेरे पक्का मीठी होगी ये, बटर चिकन का थोड़ा सा मिक्स रूप है और मीठी होगी। चार, हाँ एक चीज और बतानी है ना, खराई लेवल, वो बेसिकली क्या है, स्पाइस लेवल जो होता है या जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पांच लेवल आते हैं, मेन लेवल पांच लेवल, और हाँ प्लस जीरो, प्लस जीरो जो हमारे लिए क्या समझ लो वो पता नहीं क्या है, वो खाने ही नहीं है कुछ। बेसिकली क्या है, अभी जो मैंने मंगाया है चार नंबर मंगाया है, अभी मैं खा के बताऊँगा क्या कैसा टेस्ट है, कितना तीखा है क्या है। लेकिन जीरो से लेकर के पांच तक जाते हैं, तो जीरो में कोई तीखा नहीं, फिर एक में थोड़ा, फिर दो में थोड़ा। हम इंडियंस बेसिकली जो प्रेफर करते हैं वो तीन से पांच के, जो कम तीखा खाते हैं वो तीन ले, और जो कुछ वीर वीर लोग हैं वो पांच है, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बेसिकली यहाँ क्या होता है, लाल मिर्च से ही बनाते हैं तीखा, क्योंकि यहाँ की हरी मिर्च तीखी नहीं होती है। इसलिए अगर ज्यादा तीखा खा लिया तो चलो दिक्कत करेगा। और इन्होंने क्या मंगाया? इन्होंने मंगाया है बटर चिकन। ये बटर चिकन, इसमें सिर्फ इन्होंने दो डलवाई थी ना, दो नंबर, इन्होंने पूरी हिम्मत करके दो डलवाई, हिम्मत की है वो भी। हाँ भाई चलो चार खा रहे, मैं दो तो खाता हूँ, दो तो खाता हूँ मैं। तो ये लस्सी काफी गाढ़ी है। अच्छी लस्सी स्ट्रॉ, ओ भाई सही में बड़ी अच्छी है यार, बहुत गाढ़ी है। मैंने एक आइस क्यूब यहाँ पे, अगर आप आइस क्यूब नहीं कहोगे ना तो आधा आइस क्यूब से भरा होगा जो भी मंगाओगे। हम तो नहीं मंगाते कभी भी आइस क्यूब डाल, वो पूछता है आइस क्यूब डाल दें, थैंक यू वेरी मच। मैं दिखाता हूँ एक बार नान पहले, ठीक है? ये देखो मेरे को लगा दो नान है, ये एक नान है बटर डाल के। हाँ ये एक नान है 500 yen, 400 yen का, 400 yen का। और ये अभी भी चार लेवल की स्पाइसेस डलवा के अभी भी ये मीठा है, क्यों शेंदर मीठा लग रहा है? मीठा लग रहा है अभी भी, मीठा लग रहा है, तो 6-7 लेवल डलवा रहे हैं। मैंने दाल ऑर्डर करी थी टोक्यो में, उसमें लेवल तो मैंने इंडिया वाले कह दिया था, इंडियन रेस्टोरेंट है,
तो दाल सही आई थी, पर वहाँ पे भी बटर चिकन मीठा ही आया था, नान में मीठा है, नान में मीठा है ना, नान में थोड़ा क्या होता है यहाँ पे, एक चीज बता दें आपको, अगर आप एग से एलर्जी है तो नान में यार सब में एग होता है। अच्छा, अगर एग से आपको एलर्जी है तो नान में एग होता है, तो आप प्लीज राइस लीजिएगा, और इसीलिए थोड़ा चीनी डाल के तो फुलाते हैं, ये थोड़ी नान मीठी सी भी लगती है। वैसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में आपको ले चलेंगे हम क्योटो की तरफ।